हैं विक्रांत, जहां जहां अर्शद नदीम का जिक्र करते हैं पाकिस्तान में, मैं हैरान हूँ कि अर्शद नदीम ऐसा नहीं है कि आज रातों रात उठ के कहीं से आए और ओलंपिक जीत गए, पर 92.97 मारिया उस रात, मतलब वो जमीन और आसमान का फर्क था। मतलब गोल्ड मेडल में अगर तकरीबन वॉट 3-4 मीटर का फासला, वो जमीन आसमान का था। सो मैं थोड़ा हैरान हुआ ये। और जैसे आपने अर्शद की बात की है कि वो सिस्टम के बिना आए, मैं उनकी कहानियां सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैं अभी भी आई एम शॉक्ड कि जिस तरह का उनका बैकग्राउंड तो देखिए। सो गरीब के अंदर एक भूख अलग होती है, मिडिल क्लास के अंदर एक भूख अलग होती है, और आज अर्शद नदीम अगर जीते हैं तो इंडिया में ना थोड़ा दुख जरूर होगा। वो होता है जब दूसरी बार आता है कि यार गोल्ड हाथ से निकल गया। दोनों की वालिदा है ना जिन्होंने सबसे अच्छा बोला भाई, उन्होंने बोल दिया, नदीम की वालिदा साहब उन्होंने बोल दिया कि जी वो भी मेरा ही बेटा है। करते विक्रांत, वक्त निकालने का शुक्रिया। जहां जहां अर्शद नदीम का हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में, हम नीरज चोपड़ा का भी जिक्र करते हैं और उनकी जो दोस्ती है, उनकी जो कामराडरी है और एक हेल्दी कंपटीशन है। मेरा ख्याल है कि ये एक स्पोर्टिंग हिस्ट्री के अंदर इसकी ऊपर एक अलहदा चैप्टर लिखा जाना चाहिए है। Why is this rivalry different, विक्रांत? Because क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं एकदम जुनून और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, अच्छे अच्छे समझदार लोग जो हैं उनकी उनके तेवर ही बदल जाते हैं। लेकिन जब हमने इसके अंदर देखा नीरज और अर्शद को साथ परफॉर्म करते हुए, तो जिस लेवल की हेल्दी कॉम्पिटिशन हम ये देख रहे हैं, तो ये राइवलरी क्यों डिफरेंट लगती है हमें? बहुत शुक्रिया माया आपका और उस्मान भाई आपको भी सलाम। देखिए ये राइवलरी अभी हमें हेल्दी और कंपेटिटिव इसलिए दिखती है बिकॉज ये राइवलरी अब शुरू हुई है। क्रिकेट में भी देखा जाए तो ऑफ द फील्ड तो सब दोस्त ही होते हैं। उस्मान ने बहुत दौरे कवर किए हैं, ही वुड ऑल्सो नो कि भाई शाम को तो खाना अक्सर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर साथ ही खाते थे। लेकिन हुआ क्या, मैदान में जुनून हो जाता है दर्शकों का, जो आपके क्राउड होता है वो जिस तरह से चिल्लाता है हारना नहीं है, तो जैवलिन में अब वो चीज मुझे लगता है कि आएगी। भाई उस दिन भी जब ये फाइनल चल रहा था, भाई उस वक्त तो मैं देख रहा था कि अर्शद नदीम का ध्यान नीरज की तरफ था और नीरज का ध्यान अर्शद की तरफ था, लेकिन उस वक्त दोनों ये नहीं चाह रहे होंगे कि यार दूसरा मेरे से बेहतर है। तो दोस्ती है, बट मुझे लगता है कि एक स्पोर्टिंग मुल्क की निशानी होती है कि वो दोस्ती को ना, मतलब मैं राइवलरी नहीं कहूंगा लेकिन उस कंपेटिटिव स्पिरिट में लेकर जाए। और जैसे आपने अर्शद की बात की है कि वो सिस्टम के बिना आए, मैं उनकी कहानियां सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैं अभी भी आई एम शॉक्ड कि जिस तरह का उनका बैकग्राउंड तो देखिए, स्पोर्ट क्या होता है, स्पोर्ट टिपिकली इंडिया में, पाकिस्तान में, एशिया में मिडिल क्लास या गरीबी खेलना शुरू करता है, क्योंकि जो अमीर होता है वो मर्सिडीज में जाके क्रिकेट या कोई बाकी स्पोर्ट खेल नहीं सकता, वो बच्चे जाते हैं शौकिया उसके बाद छोड़ देते हैं। सो गरीब के अंदर एक भूख अलग होती है, मिडिल क्लास के अंदर एक भूख अलग होती है, फिर वो पढ़ाई पे भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो कहते हैं यार खेल ही मेरी सारी जिंदगी है। पर मैं हैरान हूँ कि अर्शद नदीम ऐसा नहीं है कि आज रातों रात उठ के कहीं से आए और ओलंपिक जीत गए, पर 92.97 मारिया उस रात, मतलब वो जमीन और आसमान का फर्क था। मतलब गोल्ड मेडल में अगर तकरीबन वॉट 3-4 मीटर का फासला, वो जमीन आसमान का था। सो मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी उस सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। आने वाला वक्त होगा, आप देखेंगे इनकी राइवलरी कट थ्रूट हो। अच्छा। अर्शद नदीम एक दिन जीतेंगे, हो सकता है दूसरे दिन नीरज चोपड़ा एक दिन जीते, लेकिन खुशी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तब हुई थी जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, और जेन्युइनली मैंने देखा था लोग बड़े खुश थे, नीरज चोपड़ा को वो इज्जत भी मिली। और आज अर्शद नदीम अगर जीते हैं तो इंडिया में ना थोड़ा दुख जरूर होगा, वो होता है जब दूसरी बार आता है कि यार गोल्ड हाथ से निकल गया, लेकिन सिल्वर मेडल। और मेरे ख्याल मैं आप मारिया कौन होते हैं बात करने वाले हैं, उस्मान, इन दोनों की वालिदा है ना जिन्होंने सबसे अच्छा बोला, भाई उन्होंने बोल दिया, नदीम की वालिदा साहब उन्होंने बोल दिया कि जी वो भी मेरा ही बेटा है, सिल्वर भी मेरे बेटे का है। यहाँ नीरज चोपड़ा की मदर, उन्होंने भी बोल दिया कि जी गोल्ड जीतने वाला भी तो मेरा ही बेटा है। आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम बहुत बात करते हैं कि जी खेल यूनाइट करता है, डिप्लोमेसी होती है, लेकिन मैं हमारे आपको एक बात बताऊँ, वो सब हिपोक्रेसी है। ठीक बात, वो सब ना हम बातों के लिए करते हैं, असली जो बात है ना इन दोनों की वालिदा ने की। बिल्कुल जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक और बात चूंकि कॉमन है पाकिस्तान इंडिया में कि हम एक क्रिकेटिंग नेशन है, क्रिकेट के लिए तो हमने देखा है कि सुबह 3 बजे भी लोग उठ जाते हैं, रात के 1:30 बजे भी बैठ सकते हैं। ये पहली मर्तबा है कि तकरीबन 1 अरब 1.25 अरब के खित्ते के अंदर लोग बैठकर जेवलिन का मैच देख रहे थे रात के देर तक। क्या ऑब्वियसली एक हेल्दी इंडिकेटर भी है, लेकिन हम जितना पैसा क्रिकेट में लगाते हैं उतना पैसा हम बाकी गेम्स के अंदर इसलिए नहीं लगाते कि भाई रिटर्न ही कोई नहीं है,
उसमें पैसा ज्यादा लगना है, उसका रिटर्न बड़ी देर बाद आना है। अब आपको लगता है कि हम उस नहज पे जा रहे हैं कि शायद बाकी स्पोर्ट्स को भी अब थोड़ी बहुत लिफ्ट मिलना शुरू हो जाए? विक्रांत, क्या इंडिया में हालात थोड़े इससे बेहतर हैं, क्योंकि हमने जो नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग के सारे मराहल थे वो हमने अपने देखने वालों को बताए भी, सिस्टम शायद थोड़े बेहतर, थोड़ी वेल ऑयल्ड मशीनरी है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग भी मेजरली एक क्रिकेटिंग नेशन है, ओलंपिक्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है उस हिसाब से मेडल्स पाकिस्तान के तो खैर आते ही नहीं, लेकिन भारत का भी फोकस क्रिकेट पे लगता है। आपको लगता है कि ऑल्टरनेट जो वहां पे स्पोर्ट्स है खासतौर पे एथलेटिक्स, अब उसका वक्त आ रहा है? वक्त आ गया है मारिया, और आई थिंक आपने कहा थोड़ा बेहतर, आई थिंक काफी बेहतर। अच्छा, विद ड्यू अपोलॉजी, आई थिंक इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पैसा क्रिकेट में तो खैर था ही, एक जमाने में हॉकी क्रिकेट दो थे, क्रिकेट बहुत आगे निकल गया, क्रिकेट से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसमें पैसा खर्चा जाता है और इनफैक्ट एक सिस्टम इन प्लेस है। मैं उस जनरेशन से आता हूं मारिया जहां पर 1980 में इंडिया आखिरी मरतबा ओलंपिक गोल्ड जीता था मॉस्को, और मॉस्को ओलंपिक्स आपको शायद इतनी याद नहीं होगी बिकॉज वो सोवियत यूनियन में हुई थी और जो यूएस ब्लॉक था उन्होंने बॉयकॉट किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और हॉकी बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से 6 टीमें इकट्ठी की गई थी और इंडिया ने गोल्ड जीत लिया। मैं उस जनरेशन से आता हूं जहां पर मैंने पाकिस्तान को 1984 लॉस एंजल्स में गोल्ड जीतते देखा, इंडिया का एक भी मेडल नहीं। 88 में मैंने एक भी मेडल नहीं देखा, 92 में मैंने एक भी मेडल नहीं देखा, 96 में एक मेडल आया हमारा टेनिस में और उसके बाद एक एक एक, लेकिन जब बीजिंग 2008 में 3 आए और लंदन में 6 आए, हमें लगा कि यार क्या वाकई इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा ना यहाँ पर लोगों को कहता हूँ यार क्रिकेट वर्सेज द रेस्ट मत करो, ये ना इट इज ऑरेंजेस वर्सेज लेमन, क्रिकेट को अलहदा रहने दो आप बाकी स्पोर्ट पे, और पैसा खर्चा जाता है, सिस्टम है। बैडमिंटन में आज इंडिया जबरदस्त है, रेसलिंग शूटिंग आप देखें, सो मच सो कि आज इंडिया इन ओलंपिक्स में 5 मेडल जीत चुका है। शायद एक और मेडल आ जाए, हमारी एक रेसलर आज हारी है, अगर वो रेपचार्ज में आ गई शायद 6 मेडल इंडिया ले चुका है, 7 भी हो सकते हैं। 6 पे ना हम लोग ये कह रहे हैं मारिया आज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि आज हम वाकई ये कह रहे हैं यार मजा नहीं आया। हमारे पिछली बार 7 थे ना, एक गोल्ड भी था, हमने इस बार ना थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। तो मैं उस जनरेशन से आता हूं जहां एक मेडल के लिए 16 साल तरसे थे, आज इंडिया के 6 मेडल हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं मजा नहीं आया। तो मतलब प्रकाश पादुकोण का आपने नाम सुना होगा, लोग इसलिए उनको जानते हैं कि वो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, बट वो एक टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन भी रहे हैं। उन्होंने ना लक्ष्य सेन जब बैडमिंटन में हारे तो बोला, उन्होंने कहा दी एथलीट्स हैव टू रियलाइज कि यार सब कुछ उनको दिया जाता है, सिस्टम इन प्लेस है, और ये फोर्थ प्लेस को ना सेलिब्रेट करना बंद करें। मैं क्रिकेट की भाषा में बताता हूँ आपको, एक वक्त था, ये मिड 90s की बात है, विव रिचर्ड, मैं तब जर्नलिस्ट बना बना था, मैंने विव रिचर्ड्स का एक इंटरव्यू किया, मैंने उनको पूछा कि विव व्हाट्स द प्रॉब्लम विद वेस्ट इंडीज क्रिकेट, उन्होंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड कर रहे हैं, और जिस दिन आप मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करेंगे, मीडियोक्रिटी आपका पैमाना बन जाएगा, तो लोग मीडियोक्रेट भी नहीं रहेंगे। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मेरा ये मानना है कि फोर्थ प्लेस को अगर हम मॉली कॉडलिंग करते रहेंगे, शाबाश शाबाश दिल जीता, नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग है आपका जो पूरा आपने अपनी वो एवोल्यूशन बताई है कि भाई किस तरीके से भारत ने मेहनत करके जो अब आगे तमगे हासिल करने शुरू किए। बहुत शुक्रिया उस्मान समीउद्दीन आपका, बहुत शुक्रिया विक्रांत। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो जैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।